कैसे हो? पहले फटाफट बताओ सब। और बड़ी खुशी दिख रही है आज तो, मतलब मुझे लगता है कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। इट्स नाइस टू सी यू। इन फैक्ट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस न्यू सेगमेंट। सबसे पहले तो बता दीजिए कि आवाज़ वाज कैसी है। और आज ये क्लास बेसिकली स्टूडियो से होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई, बट होपफुली अब ये होगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, अगले क्लासेज से। सो गाइज, बहुत बहुत गुड इवनिंग। अच्छी बात है, सो नाइस टू सी यू गाइस। स्वागत है आप लोगों का यूपीएससी 101 पे। आई अभिषेक एज योर एजुकेटर, एज योर इंस्ट्रक्टर, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। और एक नई कहानी को आज हम अंजाम देने वाले हैं और बड़ी खुशी है, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट शेयर करो चारों तरफ इसे। आई वॉन्ट दिस होल वर्ल्ड टू सी कि हाँ भैया आज इंसिडेंट इंडिया शुरू होने वाला है। स्पेशली स्पीकिंग मेरे लिए हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत सेक्शन होता है। और जिस तरीके से मतलब ये चैट बॉक्स ऊपर जा रहा है, मैं एक्चुअली किसी का नाम नहीं पढ़ सकता, किसी का भी नहीं पढ़ सकता। तो आज के लिए मेरे को माफ़ करना यार, आदिति, गायत्री, पूनम, रवि, नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ नाम, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो रमेश, लाइबा, रवि, जावेद, भावना, प्रिया, ठीक है नहीं कर पा रहा हूँ मैं, राठी साहब, प्रिया, फैज, नेहा, पूनम, मधु, ठीक है सबको बहुत बहुत नेहा, फैज, रूपा, थैंक्स फॉर द फ्लावर्स, थैंक्स फॉर द रोजेस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर दिस लव, ठीक है। और स्पेशली गाइस मैं बताऊं कि मेरे लिए स्पेशली स्पीकिंग हिस्ट्री का ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। प्रियंका, आदिति, फहाद, श्रुति, तानिया, स्नेहा, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग गाइस। और आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दिस, टू सी यू सो हैप्पी, ठीक है। खान साहब, नेहा, और अब प्लीज़ गाइस, मतलब जैसे सिद्दीकी साहब नहीं देख पा रहा हूँ मैं एक्चुअली नहीं देख पा रहा हूँ, तो माफ़ करना गाइस, मतलब आज के लिए माफ़ करना। जितना मतलब जो भी गुस्सा है तुम लोगों का टेलीग्राम पे निकाल लेना, लेकिन मेरे लिए नाम देखना आज पॉसिबल नहीं है। मतलब आई कैन शो यू द स्पीड थ्रू विच दिस चैट बॉक्स इज मूविंग टूडे। तो एक बहुत खुशी की बात भी है दैट फिर से वो जुनून, वो आग मुझे आज बहुत दिनों बाद देखने को मिली है, ठीक है, जो कहीं गुम हो गई थी। आई गेस कीवी का नाम दिखा मुझे, लक्ष्मी का नाम दिखा, मनीषा, ज्योति, यस, अर्चना, सो क्वाइट हैप्पी टू सी कि हाँ भाई, मतलब ये जो बहुत दिनों बाद जो ये आग दिखी है, ठीक है, उसको लेके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। बट अगर मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उसके लिए कहीं से भी प्लीज़ मत को मेरे को माफ़ करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर द रोजेज, थैंक्स फॉर द फ्लावर्स, थैंक्स फॉर द पान का पत्ता, जो भी है, मतलब जो भी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है गाइस। प्रिया, कीवी, जूमी, लक्ष्मी, रीति, अरविंद, खान साहब, साना, एंड फाइनली निधि नवोदिता, वेरी रोजी, वो नहीं दिख पा रही है मुझे, शिव लीला नहीं दिखी मुझे, प्रियंका तो दिख गई, अदिति दिख गई, ठीक है, ऑल राइट। चलो गाइस, मनदीप, यस, निधि नवोदिता, मैं आपको याद कर रहा था, आपकी उम्र 100 साल से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। सो जस्ट आई टुक योर नेम 20 seconds बैक और आप मुझे दिखी हैं, रोजी, मिस रोजी, सो थैंक्स फॉर दैट। देन यू हैव दिस शिवलीला, अनिल बाबू, अदिति चौहान, अनमता, शाना, सिद्दीकी साहब, खान साहब, वालेकुम सलाम,
ऋषिकेश, मतलब बहुत बहुत खुशी हो रही है गाइस सीरियसली स्पीकिंग, कि वो चीज़ जो मैंने देखी थी, वो चीज़ जो एक डेढ़ दो महीने से गुम हो गई थी, वो मेरे को आज देखने को मिल रही है। एंड आई रियली अप्रिसिएट दिस। मैं जो थोड़ा सा गुस्से गुस्से में चल रहा था, वो कहानी में सही में भूल गया हूँ अभी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अखंडा मतलब इस तरीके से ना मेरे को बहला फुसला तुम लोग लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? सो ये ध्यान रखना। सो गाइस स्टोन एज की कहानी आज शुरू करते हैं। आई होप एक नई कॉपी सबके सामने हो मॉडर्न इंडिया को, जिस तरीके से हमने ख़त्म किया है, जो प्यार आपने दिया है, ठीक है? कोशिश करूंगा उस प्यार को यहाँ पे भी मैं कॉम्पनसेट कर सकूँ। जितने नए लोग होंगे उनको मैं बता दूँ, एम अभिषेक और मैं स्पेशल क्लासेस मेरी होती हैं अन अकेडमी के ऊपर। जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप उठा सकते हो उसका फ़ायदा। कोल्ड वॉर से लेकर वर्ल्ड वॉर तक की दुनिया को मैंने देखा है क्विज़ के लिए, प्लस क्लासेस हमारी बड़ी अच्छी जा रही हैं। दिस इज़ माई एडुकेटर्स कोड, जिसे किसी भी प्रकार के एक्सेस के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज़ करके 10% ऑफ ले सकते हो अन अकेडमी पे, ठीक है? मूविंग अहेड, हिस्ट्री और साइंस की क्लासेस मैं लेता हूँ, और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, जिसपे डेफिनेटली नए लोग जो हैं वो ज़रूर मेरे से जुड़े। किस तरीके का जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको आगे बढ़ाएं, अपने डाउट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ठीक है? मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है दैट आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट, डेफिनेटली शेयर करो। आई ट्राई माई बेस्ट टू कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, और मैं उसे फुलफिल करने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है? और उस संकट आशंका से बाहर निकलो और मूव अहेड इन द लाइफ। सो टू ऑल न्यू कमर्स, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। पहले भी ऐसा ही था, बस अनअकैडमी एक वर्ड इसमें ऐड हो गया है। सो चाहे वो हो या ये हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही दोनों जगहों पे हूँ। इससे जुड़ो एंड दिस इज माई एडुकेटर्स कोड गाइज। सो एक बार एनसीएंट इंडिया की कहानी शुरू करते हैं। और शिवलीला, यस मैं आपका ही नाम ले रहा था, थैंक्स फॉर योर रेड पान का पत्ता। कीवी, पल्लवी, स्मार्टी, वैशाली, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऋषिकेश, रेनू, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। पल्लवी, सोनाली, नंदनी, निधि, नवोदिता। अबे निधि नवोदिता ने आप ये रोजी, ठीक है, इन्होंने कीवी को रेड पान का पत्ता भेजा है, मेरे को लगा कि मेरे लिए भेजा है, तो इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके प्रिया कीवी। सो भाई चलो अब कहानी को शुरू कर देते हैं, मतलब लाइक हाई टाइम। स्क्रीन पे आपके सामने एंसेंट इंडिया, और स्क्रीन पे साथ में है एक छोटा सा प्यादा सा एक नाचीज, जो डेफिनेटली इस इतिहास के पन्नों में एक जर्रे की तरह है, उससे कहीं ज़्यादा नहीं है, और ना ही खुद को ये उससे ज़्यादा मानता है, ठीक है? आप लोगों के प्यार से थोड़ा सा फूल जरूर जाता हूँ, बट डेफिनेटली इस इतिहास के पन्नों पे मेरी हैसियत सिर्फ उस नाचीज, उस जर्रे की तरह है, ठीक है, जो डेफिनेटली धूल के एक कण जैसा है, और मैं उतना ही मानता हूँ, हैप्पी विद दैट, ठीक है? सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, गेट सेट गो रेडी, 1 2 3। बचपन में वो जो रेस वाली कहानी है, प्राचीन भारत को हम शुरू करते हैं। एक नई कॉपी सबके साथ होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, ठीक है? मॉडर्न इंडिया खत्म है, एंशियंट इंडिया को उससे बेहतर रूप से मैं खत्म करूंगा, दैट्स माई वर्ड टू यू। यस आकाश, शेलू, अदिति, शाना, गुड इवनिंग। हीर नहीं दिख रही है मेरे को अभी तक। सफाक, वालेकुम सलाम, लाइबा, संध्या, प्रिया, नीलिमा, चलो गाइस, सो ऑल सेट। अच्छा, अनअकैडमी का ये प्रॉमिस जरूर याद रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता देता हूँ। 7 जुलाई को ख़त्म होने वाला है, कि जो लोग भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट से 7th के बीच में अगर वो लेते हैं, तो क्या होता है कि 2 साल का अगर वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर 2 साल में उनके साथ कुछ नहीं होता है, तो 3rd साल उनको फ्री मिलता है। दिस इज़ द अनअकैडमी प्रॉमिस, ठीक है, जो 7 जुलाई तक है। तो ऐसा कुछ सोच रहे हो तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी मेरे से मिलो। सो गाइस ऑल सेट, एंशिएंट इंडिया शुरू होता है। एक स्क्रीन पे सामने आपके पास है ब्लैंक पेज, ठीक है, ब्लैंक पेज से शुरू करते हैं। इस पेज पे मैं क्रेडिट लेता हूं लिखने का, एंशिएंट इंडिया, ठीक है, दिस इज एंशिएंट इंडिया। हिस्ट्री में स्पेशली स्पीकिंग मेरे लिए सबसे खूबसूरत सेक्शन हिस्ट्री का, ट्रस्ट मी गाइस, ये मेरी अपनी बात कह रहा हूँ मैं, मुझे हिस्ट्री में इससे बेहतरीन कुछ नहीं लगता, ठीक है? और दैट्स माई प्रॉमिस, राइट, कि ये चीज़ मैं आपको भी महसूस कराने की कोशिश करूँगा, राइट? तो चलो, यस कुसुम, गुड इवनिंग, चौहान साहब, गुड इवनिंग, गिरजा, यार चौहान, एक बात मैं बता देता हूँ, आरजे चौहान, तुमने जो जैसे सवाल पूछे थे ना मेरे टेलीग्राम पे, और तुम लोग जो ये पूछते रहते हो ना, सर एक बार मेरे को बता दो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, सर एक बार मेरे को बता दो हिस्ट्री की सारी किताबें, सर एक बार मेरे को बता दो तैयारी कैसे करते हैं, यार मेरे को इंसान समझते हो या क्या समझते हो तुम लोग? और मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि मैं टूटी फूटी बातें नहीं करता, तो ऐसी बातों का जवाब मैं कैसे दूँ यार, मेरे को बताओ, मतलब जैसे मुझे आप लोगों को बताना है कि मतलब मुझे बता दो कि मैं ऐसी बातों का जवाब कैसे दूँ, और मैं बिना मतलब का टूटा फूटा बोलना नहीं चाहता, ठीक है? सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस पूछने से पहले, ठीक है, मेक श्योर कि मैं इसका जवाब कैसे दूँ, ये मुझे आप बता दो,
नहीं तो फिर मेरी बातों को मानो, ठीक है, पर्सनली मेरे को मैसेज करो, वी कैन टॉक सम टाइम, मेंटरिंग करता हूँ मैं, ठीक है, मतलब पर्सनली जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे कोड के थ्रू, उनको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एफर्ट मेरा डेडिकेटेड होता है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो एक टाइम निकाल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज ये इस चीज तरीके से मैं इन बातों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। और एक बात आप लोगों से भी कहता हूँ कि ऐसी बातों का जवाब अगर आप लोगों को दो शब्दों में कोई दे दे रहा है तो प्लीज ऐसे इंसान से जिंदगी में दूर रहो, ये सिर्फ आपकी समय और एनर्जी को वेस्ट करेगा। ये बात मेरा थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, और बाकी की कहानी को अब शुरू करते हैं गाइस। सो एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, एक ब्लैंक पेज से मैंने शुरू किया है। द रीजन इज कि एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट हिस्ट्री जब हम गाइस पढ़ते हैं ना, वेन एवर वी स्टडी हिस्ट्री, सी वेन एवर वी हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते, तो हर चीजों को ना बहुत अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री कह दिया गया, बायोलॉजी कह दिया गया, ठीक है, ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, ये क्लाइमेटोलॉजी हो गया, वो ओशनोग्राफी हो गया, अलग अलग क्राइटेरियन, अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। सो हिस्ट्री को भी साक्ष्यों के आधार पे, किसके आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे, सबसे पहले तो ध्यान रखना साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब क्या होता है, एविडेंस। गजब सी बात बता रहा हूं मैं, देखना वो दुविधा जो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया सॉल्व नहीं कर पाई है, एंशियंट इंडिया सॉल्व करेगी, दैट्स माई वर्ड टू यू। सो एविडेंसेस के आधार पे, मतलब कैसे जानते हो तुम कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या जानकारी थी, खुदाई, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, या फिर उस समय का कोई साहित्य हो, जितनी हिस्ट्री तुम्हें पता है, ठीक है, आराम से शुरू करते हैं। जैसे हमने हर चीजों को जबरदस्त तरीके से पोस्टमार्टम किया है, हिस्ट्री को भी, एंशियंट इंडिया को भी वैसे ही करेंगे। स्पेशली मेरे दिल के सबसे नजदीक हिस्ट्री का कोई सेगमेंट है तो वही है, सो इस पे मैं तुम लोगों को भी ज्यादा नहीं सुनने वाला, ठीक है। सो खुदाइयां होती हैं, अगर उस समय लोगों ने कुछ लिखा है, लिटररी थिंग्स, लिटरेचर, ठीक है, उसके आधार पे हम इन चीजों को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि हिस्ट्री को साक्ष्यों के आधार पे, मतलब एविडेंसेस के आधार पे, ठीक है, तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली बात, तीन भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिक या प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। दूसरे सेगमेंट को कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और तीसरे को कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, डोंट वरी, बट तुम्हारे समझने लायक मैं लिख दूंगा, ठीक है। प्री हिस्टोरिकल, साक्ष्यों के आधार पे इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। मेक इट वेरी क्लियर, जिस तरीके से साफ सुथरा तरीके से एंशिएंट इंडिया हमने खत्म किया है, उसी साफ सुथरे तरीके से इस सेक्शन को भी हमें खत्म करना है, और ये मेरे सबसे नजदीक है, सो इसकी थोड़ी सी कदर ज्यादा करना, ठीक है, मेरे लिए, मतलब ठीक है, मेरे लिए स्पेशली। सो जनाब क्यों लेट हो गई हो, गुड इवनिंग, चलो यार श्रेयसी तुम भी लेट हो, तुम भी लेट हो श्रेयसी, खान साहब, निधि, चलो मतलब पढ़ाई शुरू कर, हो चुकी है हमारी। सो इतिहासों के, साक्ष्यों के आधार पे हिस्ट्री को तीन भागों में मैंने बांटा, प्री हिस्टोरिकल पीरियड मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड मतलब इसको हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य मैंने लिख दिया, आगे ऐतिहासिक काल समझ लेना, और हिस्टोरिकल पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल। देखो आराम से समझो, इन वर्ड्स को लिखना बोलना समझना है। एक और बात है, आंसर लिखने लगते हो, अभी पीटी की तैयारी शुरू नहीं हुई है, आंसर लिखना, पता नहीं कौन सजेस्ट कर रहा है ये तुम लोगों को कि आंसर लिखना शुरू कर दो। अभी मेंस की तैयारी में एंटर करोगे तो मेंस आंसर लिखना शुरू करोगे ना, अब उनको मेंस का कंटेंट कुछ पता है नहीं, पीटी में चार लाइन पढ़ लिया उसी के आधार पे आंसर लिखने लगते हो। कॉलेज में आंसर लिखने की ऐसी आदत है कि दिमाग में एक बात होती है कि कुछ भी लिख देंगे नंबर मिल ही जाएगा, ये सब नहीं होने वाला ना। मतलब मेरे को मैसेज है सर मेरा आंसर चेक कर दो, मैं कैसे चेक कर दूं मैं आंसर, जब तुम जो लिख रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या लिख रहे हो। आज तक जिंदगी में कभी मेंस का कंटेंट देखा नहीं, चार क्लासेस यूट्यूब पे पीटी की कर ली और आंसर लिखने लगे, मतलब कौन से कहा रहा है तुम लोगों को यार ये, मतलब मेरे को बताना कभी, मैं टेलीग्राम पे इस मुद्दे पर बात करूंगा तुम लोगों से कि कौन सिखा कौन रहा है ये सब करने के लिए। प्लीज भगवान के लिए ये सब मत किया करो यार, मतलब मेरी बात नहीं भी मानो ना, आंसर लिखना तभी शुरू होगा जब मेंस की प्रिपरेशन में तुम एंटर करते हो,
ठीक है, जब तुम्हारा बेसिक पीटी की तैयारी में स्ट्रांग हो जाता है, मेंस का कंटेंट तुम देखने लगते हो, ठीक है, तभी आंसर लिखते हो, नहीं तो नहीं लिखते हो। प्लीज ध्यान रखना इन बातों का। असीफा, नाइस टू सी यू, योर, बहुत दिनों बाद योर देखा आपको। स्मार्टी, सुष्मिता, चलो एनीवेज, सो एविडेंसेस के आधार पे हिस्ट्री को तीन भागों में हमने बांटा। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल। क्या अंतर होता है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। प्री हिस्टोरिकल पीरियड उस काल को कहते हैं, और ध्यान रखना ये जो क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से होता है, तो क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है, तो हिस्ट्री को हमने इन तीन खंडों में जो बांटा है उसका हमारा जो ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज एविडेंस, है साक्ष्यों के आधार पे। नाउ सी व्हाट आई एम टेलिंग, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या ऐसी स्पेशल बात है, प्री हिस्टोरिक पीरियड इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं, ठीक है, जहां की हमें जानकारी जो है वो सिर्फ हमें खुदाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे हुई है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हिस्ट्री के बारे में तुम्हें जानकारी कैसे मिलती है, हिस्ट्री के बारे में तुम्हें जानकारी कैसे मिलती है, या तो एक्सकेवेशन से मिलता है, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई से मिलता है, खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलती है उससे मिलते हैं तुम्हें, या तो उसके बाद तुम्हें उस समय के लिटरेचर से मिलता है, साहित्य से मिलता है जो या तो उन लोगों ने लिखा या फिर कुछ अन्य लोगों ने लिखा, ठीक है, समकालीन साहित्य से मिलता है या फिर तुम्हें दोनों से मिलता है। यही है ना हमारे पास साक्ष्य इतिहास को जानने के। एंड इतिहास है क्या, इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट हैज अकर्ड एनीवेयर डाउन द टाइम इन द टाइमलाइन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री इन द ह्यूमन एरा। मानव युग में क्रमिक तरीके से घटने वाली घटनाओं का जो कालक्रम है दैट इज बेसिकली, उसे जब शब्दों में पन्नों पर आप व्यक्त करते हो तो जो विषय का निर्माण होता है दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट हैज अकर्ड विद अस लिविंग ऑन दिस प्लैनेट एज अ ह्यूमन बीइंग, इजंट इट। सो कैसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी, या तो इस एक्सकवेशन की आधार पे, या तो फिर उस समय के लिखे गए कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के आधार पे, या फिर दोनों के आधार पे। नाउ सी, प्री हिस्टोरिक पीरियड उस इतिहास के पन्ने को कहते हैं, उस कालखंड को कहते हैं जहां पे, ठीक है, जिसकी जानकारी हमें सिर्फ खुदाई से मिले साक्ष्यों के आधार पे हुई है, जहां की जानकारी हमें सिर्फ खुदाई के अंतर्गत दौरान मिली गए साक्ष्यों, जैसे कुछ स्टोन के अलग अलग प्रकार की आकृतियां मिली, ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये हथियार है जिसका पाषाण काल के इंसान उपयोग करते थे, ठीक है, पशुओं को मार के अपना भूख शांत करने के लिए, इस प्रकार से, ठीक है, अभी इसमें अंदर चलेंगे। सो अभी ध्यान रखना इन तीन शब्दों की जानकारी जरूरी है, दैट प्री हिस्टोरिक मतलब कि ये वो इतिहास का कालखंड जहां के बारे में जानकारी हमें, ठीक है, सिर्फ खुदाई के द्वारा मिले साक्ष्यों के आधार पे है, कोई साहित्य का उस समय भाषा का विकास नहीं हुआ है, भाषा का विकास नहीं हुआ है, सो दैट मीन्स देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज लिटरेचर एटसेट्रा, ठीक है, सो जस्ट वी हैव द एविडेंसेज इन द नेम ऑफ द एक्सकवेशन दैट वेयर कंडक्टेड एंड द एविडेंसेज दैट वी एक्चुअली अक्वायर्ड ड्यूरिंग दोज एविडेंसेज ड्यूरिंग दोज एक्सकवेशन एक्चुअली डिफाइन्स द प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसी को आप पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हो। एकदम क्लियर है, अब देखो, सो स्टोन एज देखो, यही पे मैं क्लियर कर देता हूं, मेरे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जैक्टली, ये सब क्वेश्चन आते हैं, अगर यही पे मैं पूछ दूं कि एक बात बताओ, जो भी तुम हिस्ट्री जानते हो उसके आधार पे स्टोन एज जो है, बेसिकली स्टोन एज जो है वो किस हिस्टोरिकल पीरियड में आता है, इस हिस्ट्री के किस पीरियड में आता है, तो आप इतना तो कॉमन सेंस लगा के कह सकते हो ना कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में आएगा, क्योंकि स्टोन एज के समय आदमी को भाषा की जानकारी नहीं थी, आदमी सिर्फ खाना जानता था और रहना जानता था, ठीक है, प्रोक्रिएट करना जानता था, प्रोक्रिएट का मतलब रिप्रोड्यूस करना। एक बात मैंने पहले भी कभी रिपीट की हुई है कि इंसान के अंदर जितनी भी आदतें हैं, ठीक है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने खुद प्रोड्यूस की हैं, लेकिन देर आर ओनली टू नेचुरल ड्राइव्स इन ह्यूमन बीइंग जो प्रकृति ने हमें दी है, ओनली टू नेचुरल ड्राइव्स, बाद में ये अच्छा लगना, बुरा लगना, दुख लगना, सुख लगना, रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत, गुस्सा, दिस दैट, दुनिया जहान, व्हाटएवर, ठीक है, ये सब कुछ हमने खुद जना है, लेकिन दो ऐसी ड्राइव हैं, दो ऐसी जिज्ञासाएं हैं, दो ऐसी उत्सुकताएं हैं, दो ऐसी इच्छाएं हैं, ठीक है, दो ऐसी अभिलाषाएं हैं जिसको प्रकृति ने हमें दिया है,
उसे हमने खुद क्रिएट नहीं किया, वो हमारे अंदर नेचुरली है. दैट इज कॉल्ड द ड्राइव ऑफ हंगर एंड ड्राइव ऑफ सेक्स. ड्राइव ऑफ हंगर एंड ड्राइव ऑफ सेक्स. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो इंसान जो बेसिकली सभ्यता के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे. सभ्यता का मतलब क्या होता है कि रहने का, बोलने का, उठने का, खाने का, नहाने का तौर तरीका है. सो वो इंसान जिसे आप स्टोन एज के इंसान कह रहे हैं, उनमें सभ्यता का बिल्कुल विकास नहीं हुआ था. ठीक है, सो डेफिनेटली मानवीय हरकतों का विकास भी नहीं हुआ था जो आज हम में देखने को मिलती हैं. लेकिन फिर भी उनमें दो ड्राइव तो नेचुरली प्रकृति ने दी थी, द ड्राइव ऑफ हंगर एंड ड्राइव ऑफ सेक्स. सो व्हाट दे डिड दैट दे केप्ट ऑन किलिंग द एनिमल्स, दे केप्ट ऑन फीडिंग देमसेल्फ, दे केप्ट ऑन रिप्रोड्यूसिंग, एंड इन दैट मैनर सोसाइटी जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये बात ध्यान रखना. Try to understand the history. The beauty of history lies in understanding the existence of the history, which actually starts from the ancient India. And that's why I have been repeatedly telling that this segment of history is closest to my heart. And definitely take my words, I will make it closest to your heart also. ठीक है. All right, guys. प्रियंका अभी पैलियोलिथिक में रुक जाओ ना, मेरे को कुछ कह लेने दो ना, रुक जाओ, सुनो मुझे. ये पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और दुनियालिथिक ना किसी भी 50 रुपए की किताब में कर लोगे, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना वो आने वाले 5 सालों में तुम्हें खुद से समझ में नहीं आएगा. दैट्स माय वर्ड. सो रुक जाओ, ये पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, मिजोलिथिक सब कर दूंगा मैं, बट जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो पहले. यस प्रियंका भास्कर, राइट. सो दैट इज हंगर एंड सेक्स. ऑल राइट, ठीक है. सो इंसान अपना पेट भरता शुरू, पेट भरने की कोशिशों में सफल होता चला गया, जानवरों को, पशुओं को मार मार के खाता चला गया और रिप्रोड्यूस करता चला गया, और सोसाइटी जस्ट वेंट ऑन एंड वेंट ऑन. सो अभी मैं अगर कहूँ कि वो सभ्यताहीन इंसान, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो नेचुरल ड्राइव का विकास हुआ था, द ड्राइव ऑफ हंगर एंड सेक्स, विच आर टू ऑर्गेनिक ड्राइव्स इन द ह्यूमन बींग, ठीक है, अगर मैं आप तुमसे पूछूँ कि इसको हिस्ट्री के किस कालखंड में रखते हो, तो इवन दो मैं ये मान के चलूँ कि प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक मैंने बताया नहीं है, लेकिन प्री हिस्टोरिक के बारे में जो बताया मैंने उसके आधार पे तुम अभी कह सकते हो कि सर जो स्टोन एज है वो बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड में आएगा. यस और नो? क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार की भाषा का विकास हुआ नहीं था, ठीक है, किसी भी प्रकार के भाषा का विकास हुआ नहीं था, और इंसान के बारे में उस समय जो अभी हमें जानकारियां हैं वो सिर्फ खुदाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पे हैं, और ये जो कालखंड होता है उसी को आप प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हो. राइट और रॉन्ग? रोजी मिश्रा जी को नमस्ते कह लेना. अभी मेरे को जरा फिर मेरी तरफ थोड़ा, अभी जब मैं यहाँ पे अखंडा है ना तो अखंडा ही मुद्दा होना चाहिए, और आज अखंडा से भी प्यारा मुद्दा एक है जो अखंडा के लिए सबसे प्यारा है, दैट इज एंशिएंट इंडिया. तो आज मुझे भी भूल जाओ, एंशिएंट इंडिया को देखो. ठीक है, ये सोनू नजर मत लगाओ. मैं किसको लगा रही हूँ नजर वजर, किसको लगा रहे हैं मेरे को पता नहीं. ठीक है, एनीवेज गाइस मूविंग अहेड. ठीक है, आज मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमोशन, मैं भी इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह, तो टेलीग्राम पे तुम्हारे इमोशंस को अगर मैं झेल सकता हूँ तो आज मेरे इमोशंस को तुम भी झेलोगे. आज कमेंट वमेंट अगर मैं ज़्यादा नहीं देख पाऊँ तो मेरे को थोड़ा सा माफ़ करना. सारे नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे ज़रूर आ जाना मेरे, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ वगैरह को थोड़ा लाइक करना, शेयर करना, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट वमेंट लिखा करना, वहीं मेरा आईना होता है. तुम तो मेरी शक्लें देखते रहते हो, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, ठीक है, बट मैं तो तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाता ना, तो मैं तो वहीं कमेंट ही पढ़ता हूँ ना. ठीक है, तो वो लिखते हो तो मेरे को खुशी होती है, मैं चेक करता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ. समझ में आ रही बात? हाँ, आज अखंडा सर ही मुद्दा है. एनीवेज गाइस, चलो मूविंग अहेड. सो प्री हिस्टोरिक का क्लियर हो गया बिल्कुल. अब अजी इधर आ जाओ, प्रोटो हिस्टोरिक. तो एक बात तो मैंने क्लियर कर दी तुम्हें कि प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या हुआ, कि स्टोन एज वाला जो टाइम है ना वो प्री हिस्टोरिक में ही आएगा. प्रोटो हिस्टोरिक को क्या बोला था गाइस? आद्य ऐतिहासिक. आद्य ऐतिहासिक, अब ये क्या होता है? एज इट इज क्वेश्चन भारत के सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, यकीन मानो. अभी मिश्रा जी क्या कह रही हो? देखिए सारथी, मैं क्या बोला है, हाय मैं मर जावा गुड़ खा के. कितने सारे लोग आए हैं आज, नजर ना लगे. आप लोग रोज रोज आइए, स्वागत है मिश्रा जी. डोंट वरी, सब आएंगे. ठीक है, बस एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है. उम्मीद करता हूँ कि ये सब लोग आएंगे. और ये गुड़ खा के कैसे मरते हैं मेरे को पता नहीं है. मैं मर जावा गुड़ खा के, मतलब ये तो पता है कि सिम्बॉलिकल है. गुड़ खा के कोई मर नहीं सकता, फिर गुड़ खा के ही कोई मर जाता है, तो मामला बहुत संजीदा है. तो मिश्रा जी शायद बहुत खुश हैं इसलिए ऐसा कुछ कह रही हैं.
यार जिन लोगों को, जो पुराने बच्चे हो, जो मेरे प्लस वाले लोग हो, ठीक है, जिनके लिए मैं खून पसीना एक करता रहता हूँ, कोई नया स्टूडेंट अगर टेलीग्राम चैनल पूछता है तो कम से कम बता तो दो यार उसे, शिवानी पूछ रही है, मिश्रा जी तुमने बताया, रोजी तुमने बताया, मतलब इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हो एक सेकंड के अंदर, हद है यार, मतलब सारा प्यार मैं ही कर लूं यार, तुम्हें क्या, तुम नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे तुम, मतलब क्या है, मतलब मैं इंसान हूं क्या हूं, चलो सही बात है यार, हद स्वार्थपनी की हद होती है, सेल्फिशनेस की, जो 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 लोग पुराने हैं, जो मेरे प्लस वाले लोग हैं, ठीक है, प्लस वाले जो मेरे हो, मतलब मेरा कोड यूज करते हो, मैं मेंटरिंग करता हूँ ना तुम्हारी, ठीक है, दिन रात खून पसीना एक करके, प्लस यूट्यूब भी है, वहाँ पे भी मेरे को तुम नहीं कह सकते ना कि सर मॉडर्न इंडिया तुमने कम, सर आपने कम पढ़ाया, स्पेशल क्लासेस में भी तुम मेरे आते हो ना, कोई कह के दिखा देना, मैं ओपनली डायरेक्टली बात करता हूँ कि सर आप यहाँ पे कमज़ोर कराते हो, ठीक है, कह के दिखा दो मेरे को फिर, ठीक है, चलो दिखा दिया कुछ लोगों की को मेरी बात बुरी लग गई, तो देख लेना जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल, और पहले तो मैंने बताए हुए हैं, एनीवेज, सो प्रोटो हिस्टोरिक पे कहा जाए, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है, और गाइस रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि अच्छे से एंशिएंट इंडिया की क्लासेस खत्म कर लेना, जो नए लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया बीच में किया था, ठीक है, वो कोशिश करना उसे खत्म करने की बहुत जल्दी, वी आर कमिंग विथ अ वेरी ग्रेट फाउंडेशन कोर्स, तो नए लोग वहां पे आ सकते हो, प्लस उन लोगों के लिए भी तो अब ये नया सेगमेंट है ना एंशिएंट इंडिया का, सो अब इस क्लासेस को कंटिन्यूटी के साथ खत्म कर लेना, एंशिएंट और मीडियावल पूरा बचा हुआ है, ताकि बाद वाले प्रोग्राम में ना सिर्फ तुम्हें मॉडर्न करने की जरूरत पड़े, कराऊंगा मैं ही, ठीक है, और जैसे मैं आज दिख रहा हूँ ना वैसे ही मैं 6 महीने बाद भी दिखूंगा, ये मेरी एक थोड़ी सी ऑर्गेनिक मतलब अपनी प्रवृत्ति है, ठीक है, सो प्लीज़ ये एंशिएंट और मीडियावल जितने भी नए लोग हैं अब कंटिन्यूटी के साथ कर लेना, और मेरी क्लास की एक प्री रिक्विजिट होती है, कॉपी लेके बैठना होता है, नोट्स बनाना होता है, ठीक है, तो ये सब अब शर्तें समझ जाओगे, टेलीग्राम पे जुड़ना होता है, वहाँ पे बातें करनी होती हैं, ये सब चीज़ें जो नए लोग हैं प्लीज़ उनको मैं मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि कर लेना आप लोग ऐसा, नहीं रोजी इट्स ओके, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, सो प्रोटो हिस्टोरिक पे आ जाओ गाइस, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा ऐतिहासिक कालखंड, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या कहते हैं, लिटररी सोर्सेज तो हैं, लिटररी सोर्सेज मतलब एविडेंस के रूप में साहित्यिक साक्ष्य तो हैं, लेकिन उनको डिकोड नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन वो आज तक डिकोड नहीं हो पाए हैं, ठीक है, कहने का मतलब है कि इनके बारे में भी तुम्हें जानकारी कहां से बेसिकली प्राप्त हो रही है, एक्सकैवेशन से ही, खुदाई से ही, लेकिन इससे अलग कैसे हो गया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि यहां पे लिटररी सोर्सेज भी हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यताओं की पेंटिंग के बारे में, उनकी लिखावटों के बारे में हमें कुछ पता तो है कि ऐसा होता था, और शायद हम इसलिए कहते हैं, इसके आधार पे हम ये कह देते हैं कि शायद भाषा की जानकारी उन्हें थी, बट उसको अब आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, सो ऐसा जो कालखंड है इतिहास का जहां ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि भाई साहित्य तो है, शायद भाषा भी थी, लेकिन हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं, दैट पार्ट ऑफ द दैट सेगमेंट ऑफ द हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक, और मैंने जवाब सवाल में जवाब भी कर दिया कि अगर मैं पूछूं गाइस हल्की फुल्की हिस्ट्री की जानकारी तुम्हें है, अगर मैं पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के किस कालखंड में आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आज के बाद गांठ बांध के रख लेना, इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स इन द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब अच्छी किताबें पढ़ोगे तो एक लाइन से डिफाइन ही ऐसे करते हैं, बट इट इज एक्चुअली अ प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, एंड आई गेस अब इस लाइन का मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता किसे कहते हैं, ऑल ओके, सो प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में, और ऐतिहासिक जो थर्ड वाला है हिस्टोरिक पीरियड वो बेसिकली क्या कहते हैं, इट्स सिंपल, यहां पे आपके पास दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं, यहां पे आपके पास दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं, मतलब आपके पास खुदाई के भी साक्ष्य हैं और आपके पास साहित्य के भी साक्ष्य हैं, और साहित्य मतलब वही जो उस समय किताबें लिखी गई, ठीक है, उसको आप पढ़ भी पाते हैं, मतलब साहित्यों के आधार पे और खुदाई के आधार पे, इतिहास का वो कालखंड जिसने अपने आप की रचना खुदाई की साक्ष्यों और साहित्य के साक्ष्यों दोनों के आधार पे की है, इतिहास के उस कालखंड को आप हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, सो डेफिनेटली एक बात कॉमन सेंस के आधार पे अगर हल्की फुल्की भी हिस्ट्री आती है तो आप यही पे कह सकते हो कि वैदिक पीरियड जो बेसिकली है दैट फॉल्स इन द हिस्टोरिक पीरियड,
तो सबसे पहली बात राइट यस प्रिया कि प्रिया क्री यस प्रिया क्री प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड. अब मेरे को एक बार बता दो कि ये जो मैंने एक कंसेप्ट तुम्हें दिया ठीक है कि हिस्ट्री को तीन भागों में बांटते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द एविडेंस ठीक है प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक इन तीनों में डिफरेंस क्या है और स्टोन एज सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इन तीनों को किस में एक्चुअली रखेंगे ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मक्खन हुआ कि नहीं जस्ट लेट मी नो तो आगे बढ़ते हैं बताओ जल्दी. पूजा इंग्लिश थप्पड़ खा लोगी तुम ज्यादा अंग्रेज बनोगी मेरे से ज्यादा अंग्रेजी आती है पूजा तुम्हें ठीक है मैं समझ रहा हूं तुम्हें कौन सी इंग्लिश कितनी हिंदी नहीं आती तुम्हें जितनी तुम्हें हिंदी नहीं आती ना उतनी हिंदी मैंने कभी पढ़ी नहीं है लेकिन मेरे को हिंदी से कोई दिक्कत नहीं. अब क्या नहीं लिखा है मैंने क्या हिंदी इंग्लिश मैंने लिखा प्रोटो प्री हिस्टोरिक लिखा तो उसे पूर्व ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक भी लिखा हुआ है तो नीचे आधे ऐतिहासिक लिखा है हिस्टोरिक मैंने इंग्लिश ही ज्यादा लिखा हुआ है. लड़की शरारत मेरे से ज्यादा नहीं ठीक है ना. क्लियर क्लियर यस सर क्लियर हुआ सर क्लियर हुआ सर जी गुरु जी यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर ऑल राइट ठीक है. सो आगे बढ़े कहानी को आगे बढ़े. रीति ऑल क्लियर टुडे आई एम क्लियर सर. नीलिमा टुडे आई एम क्लियर और व्हाई नॉट द डे आफ्टर टुडे डे बिफोर टुडे आज ही क्लियर क्यों हुई हो ठीक है. ओके की रिपोर्ट है टफ हिंदी यूज कर देते हैं सर. असीफा टफ हिंदी यूज नहीं करते हैं अपनी तुम्हारी अपनी कदकाठी और उम्र कब बढ़ेगी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हो ना कब अपना आकार बढ़ेगा मस्तिष्क का कब ज्ञान का कोष बढ़ेगा कौन सी टफ हिंदी थी मेरे को बताना. ऐतिहासिक आधे ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक तीन समय मैंने बोला इविडेंस तीन वर्ड मैंने बोले इविडेंस का मतलब साक्ष्य बोला जब भी हिंदी बोला उसका पैरेलल इंग्लिश बोला कहां पे टफ हिंदी तुम्हें इतनी दिख गई जरा मेरे को बताना तो नहीं बता दो ना मेरे को. वैल्यू एडिशन तो श्रुति मेरी हर क्लास में होना है दैट्स फॉर श्योर. वैल्यू एडिशन और ऑब्जेक्टिविटी के बिना तो मेरी पढ़ाई इंपॉसिबल है ठीक है डोंट वरी. आपका टेलीग्राम लिंक बता दो सर. अबे नीरज ये बता दो नीरज को कोई टेलीग्राम लिंक कोई पूछे और पुराने किसी स्टूडेंट ने नहीं बताया खून कर दूंगा मैं सबको बता दूं सही में वर्चुअल वाला खून समझते हो ना. अभी देखो वसीम साहब अभी आ रहे गुड इवनिंग चलो नीरज को बताओ टेलीग्राम चैनल कोई और नीरज मैं एंड में फिर बता ही दूंगा डोंट वरी. अच्छा एनीवेज अब चलो एक एक पेज है आपके सामने बड़ा अच्छा सा पेज है जरा इसे ध्यान से देखो. इसमें बहुत ज्यादा अभी देखने की जरूरत नहीं है ठीक है कुछ कुछ मैं बातें हूँ. देखो हिस्टोरिकल सोर्सेज कितने प्रकार के हो सकते हैं तो एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन शब्दों को सीखना है ताकि एंशिएंट इंडिया की ना किताबें पढ़ने आए या फिर लिटररी सोर्सेज मैं बता चुका हूँ और इन्हीं सोर्सेज के आधार पे इतिहास को तीन भागों में बांटा गया प्री हिस्टोरिक दैट इज पूर्व ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक दैट इज आद्य ऐतिहासिक एंड हिस्टोरिक दैट इज ऐतिहासिक. पीछे हमने वही देखा था. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो खुदाई के दौरान ऐसे क्या साक्ष्य हमें मिलते हैं उसको मैं थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करूं तो इमारतें मिलती हैं घरें मिलती हैं सिक्के मिलते हैं मुहरें मिलती हैं बर्तने मिलती हैं टूल्स औजारें मिलती हैं पेंटिंग्स मिलती हैं और अभिलेख मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस आर नथिंग बट द रिटन टेक्स्ट ऑन द स्टोन्स पेजेस ठीक है अभिलेख जिसे कहते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन. अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन गढ़े स्टोन रॉक इंस्क्रिप्शन केव इंस्क्रिप्शन पिलर इंस्क्रिप्शन उसे जो भी बताना होता था वो स्तूपों पे गढ़ देता था तो उसे स्तूपाज इंस्क्रिप्शन कहा गया पिलरों पे गढ़ देता था पिलर इंस्क्रिप्शन कहा गया ठीक है. तो इंस्क्रिप्शंस ये चीजें हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं ठीक है. एक दिमाग अब तुम लगाओगे यहां पे कि सर ये सब मिट्टी में कहां से घुस गया ठीक है नॉर्मल सी बात है मिट्टी में कहां से घुस गया ठीक है ये मिट्टी में क्यों घुसा सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी में क्यों घुसी आंसर होना चाहिए ना तुम्हारे पास. ऐसे ही पढ़े जा रहे हो क्या ऐसे ही पढ़े जा रहे हो तो कम से कम सिविल सर्विसेज की तो मत ही सोचो ठीक है. सो ये मिट्टी में सब क्यों गया तो यहाँ पे बेसिक ज्योग्राफी मैं लेके आता हूँ ध्यान से सुनना ठीक है कि ये सब मिट्टी में क्यों गया समझना जरूरी है. यही हमारे क्लास में कोशिश करते हैं हम इन चीज़ों को समझने की ठीक है. गाइस क्लास कितने बजे फिनिश्ड होगा बता दो प्लीज़. यार स्मार्टी पपलू को बता दो क्लास कितने बजे फिनिश होगा अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है लेकिन इनको तकलीफ हो यार 8-9 बजे ख़त्म हो जाएगी स्मार्टी प्लीज़ ध्यान दो थोड़ा ठीक है. नीलिमा अब अभी रुक जाओ शॉर्ट में मैं नहीं टेलीग्राम पे तुम मेरे से पूछ लेना तुम्हें डाउट किया हुआ है क्योंकि अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ ठीक है.
मेरे पीछे जो है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, मेरे पीछे जो है मैं उसकी बातें कर ही नहीं रहा हूँ अभी, मेरे पीछे जो है उसकी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मेरे पीछे जो है मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। जानकी को मैं कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। सर मेरा कमेंट नहीं देखिए 5 टाइम, ज्योति सॉरी अगर मैं नहीं देख पाया तो, प्लीज़ टेलीग्राम पे आ जाओ, जो पूछना है बात कर लेना, बिकॉज मैं तुम्हारी, मैंने अपनी मजबूरी यहाँ पे तुम्हें बता दी कि इतनी जल्दी में सब कुछ मूव कर रहा है ना कि देखना पॉसिबल नहीं है। वैदेही को मैंने देखा अभी, प्लीज़ टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे जो पूछोगी मैं दे दूंगा, बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। दैट्स फॉर देयर। हिंदी में नहीं होगा संगीता, बिल्कुल होगा, लेकिन यार सुन तो लो, यहाँ पे बताने की बात क्या की जा रही है भाई, हिंदी क्या, हिंदी देखो, एक मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देख लो हिंदी, जिसको हिंदी देखना है देख लो। पेशेंस नाम की चीज नहीं है क्या तुम लोगों को? यहाँ पे जैसे ये पेज तुम्हारे सामने आया तो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार सुन तो लो। हिंदी इंग्लिश जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि यूपीएससी 101 पे जो ये हमारा गुरुकुल का प्रोग्राम है वो एब्सोल्यूटली बाइलिंगुअल रहा है। ये तुम्हारी गलती है कि तुम आज पहली बार आ रहे हो, तो कम से कम थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, ठीक है। सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सबसे पहली बात कि ये लोग मिट्टी में गए क्यों होंगे, इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा समझने की ज्योग्राफिकली। सी जैसे आपने जाना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नदियों ने अपना रास्ता बदला है। जैसे मान लो कि ये हिमालय है, ये हिमालय है और यहाँ से गंगा निकली, ठीक है, गंगोत्री से, तो न जाने कितनी धाराओं में, मतलब हिमालय खुद ही कितने लाखों वर्षों में डेवलप हुआ होगा, उसके बाद ग्लेशियर्स बने होंगे, तब नदियाँ निकलना शुरू होंगी, निकलने के क्रम में उसने अपना रास्ता न जाने कितनी बार बदला होगा, ठीक है, और फाइनली आज की स्थिति में जो गंगा है उसको न जाने कितने करोड़ों वर्ष लगे होंगे इस स्थिति में पहुँचने में। एक बेसिक कॉमन सेंस के आधार पर नौसिखुए की भी ये बात बताई जा सकती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट ऑफ डिन्यूडेशन, अगर आपने सुना होगा इस शब्द के बारे में, डिन्यूडेशन कहते हैं इसे, या फिर आप डिन्यूडेशन छोड़ दो, ठीक है, आप ऐसे ही समझ लो इरोजन, अपरदन जिसे कहते हैं, अपरदन कहते हैं या फिर सेडिमेंटेशन जिसे कहते हैं, इन शब्दों को तो जानते ही हो ज्योग्राफी में, अवसादीकरण, अवसादी पदार्थों का जमा होना, संचयन। So, ये सब जो नदियों के द्वारा अपनी उन्होंने अपना रास्ता बदला है, तो जिन जगहों पे पहले कुछ नदी नहीं थी वहां पे नदी गई तो उस जगह को उसने अपने सेडिमेंट से ढकते हुए फिर उसने अपना रास्ता बदल लिया। सो जस्ट दिस रैंडम एक्ट ऑफ चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फाइनली नदी आज जिस अवस्था में है, आज से लाखों वर्ष पहले उस अवस्था में नहीं थी, तो जब जब उसने अपना रास्ता बदला है तो उसने हमेशा पृथ्वी की ऊपरी संरचना को, जिसे आप रिलीफ कहते हो, जिसे आप फिजिकल फीचर्स कहते हो, बदला है उसने। और इसी प्रोसेस में, ठीक है, इसकी कोख में, इसकी गर्त में न जाने कितनी चीजें विलीन हुई हैं, बस इतना ही, नथिंग मोर देन दैट, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द ज्योग्राफी, बट हाँ इतना समझने के लिए काफी है कि इसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, इसी नदियों की, इसी नदियों की अपरदन और क्या कहते हैं, अवसादी पदार्थों के संचयन की प्रक्रिया, नदी को अपने कोर्स को पर निरंतर बदलते रहने की प्रक्रियाओं ने, ठीक है, बहुत सारी उन चीज़ों को अवसादों के बीच ढका है, सेडिमेंट्स के बीच ढक दिया है जो पहले नदी से फ्री थी। सो दिस मियरली एक्ट ऑफ डिन्यूडेशन, इरोजन एंड सेडिमेंटेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें नदी की गर्त में या पृथ्वी की गर्भ में दबती चली गई हैं। सो ऐसा ही हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, और उसी की वजह से खुदाई के दौरान इन चीजों को हमें प्राप्त करते हैं, फिर इसके आधार पे हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सो एक बेसिक मैंने तुम्हें नॉलेज देने की कोशिश की कि भाई खुदाई के दौरान ये चीजें आई क्यों, खुदाई में, मतलब आई क्यों कहने का मतलब कि वो पहले दबी क्यों, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो दबी क्यों। सो ये बात हल्का सा तुम्हें समझ में आया होगा, इसे अंदर ज्यादा ज्योग्राफी में जाने की जरूरत नहीं है। सो खुदाई के दौरान क्या मिलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहने का मतलब कि भाई पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या मिलते हैं हमें, इमारतें मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं, बर्तनें मिलती हैं, औजारें मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, अभिलेख मिलते हैं। अच्छा, साहित्यिक स्रोतों में क्या मिलता है हमें, किताबें मिलती हैं, इंडियन लिटरेचर की हो, भारतीय साहित्य की हो तब, या विदेशी साहित्य की हो तो, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, मेघास्तनीज ने इंडिका लिखा, तो इंडिका को पढ़ के भी तो तुम्हें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उसी समय कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने चाणक्य अर्थशास्त्र की रचना भी की, तो वो भारतीय साहित्य हो गया। इंडिका का जो मेघास्तनीज का जो इंडिका है वो एक विदेशी साहित्य हो गया, जिनको, जिनके आधार पे आप बहुत सारी जानकारियां आपको उस समय के बारे में मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, लिटरेचर में भी भारत के अंदर हम देखें तो वो साहित्य क्या हो सकते हैं, धार्मिक साहित्य,
मतलब बुद्ध महावीर आए तो वो भी बहुत कुछ कह के गए, और गैर धार्मिक साहित्य भी हो सकते हैं, जैसे इतिहासकारों ने अपनी बातें लिखी, जैसे धार्मिक साहित्य तो नहीं है ना चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, लेकिन उसके उसके उसको पढ़ के हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत गहन जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके नीचे अभी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, जो लोग कह रहे हो ना कि मेरे पीछे ढक गया है, इसके नीचे अभी देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे की चीजें हैं कि भाई ब्राह्मणिकल साहित्यों के द्वारा भी, वैदिक साहित्यों के द्वारा, श्रुति टेक्स्ट, स्मृति टेक्स्ट, रोमन ग्रीक साहित्यों के आधारा बहुत सारे ट्रैवलर्स आते गए, लिखते गए, अरेबियन राइटर्स आए, चाइनीज राइटर्स आए, हिस्टोरियंस आए, ये सब बातें अभी देखनी नहीं है, सब आगे की बातें हैं। अभी इसके ऊपर जो मैंने बताया तुम्हें बस वही कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं और साहित्यिक साक्ष्य क्या हैं उस, और हिस्ट्री के तीन कालखंड क्या होते हैं, अभी बस इतना ही। एंड आई होप एवरीथिंग इज यार धीरज क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टार्टिंग में 12-14 मिनट बात करने में टाइम वेस्ट होता है वो मत करिए। धीरज एक तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा अभी, ठीक है, और आते ही बाबू तुम ये जो नसीहत देने लगे ना, ये मेरे को बहुत बुरा लगा। ठीक है, मैं बुरा इन द सेंस कि अगर तुम इतने सीरियस होते पढ़ाई करने में ना, ठीक है, तो पहली बात तो तुम बहुत पहले दिख गए होते, चलो मान के चलते हैं कि तुम पहली बार नहीं दिख रहे हो, ठीक है, अभी दिखे, कम से कम 2-3 दिन तो मेरे साथ रुको। मतलब आते ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसा फैसला क्यों सुनाने लगे? बात समझ में आ रही है धीरज मैं क्या कह रहा हूं? मतलब एक तो तुम मान के चलते हो ना कि मेरे पास तुमसे ज्यादा इन क्षेत्रों में अनुभव है, ठीक है, और मशीन मैं ना ही मशीन मैं ही हूं, ना ही मशीन मैं तुम्हें समझता हूं कि आते ही मैं रामायण का पाठ शुरू कर दूं, ठीक है, और तुम रामायण का पाठ सुन के चले जाओ। ये आदत, ये तरीका नहीं होता पढ़ाने का, और बेसिकली मेरा तरीका नहीं, ठीक है। तो अब जैसे तुम पहली बार मेरे को दिखे आज, ठीक है, पहली बार मेरे को देखे तो 2-3 दिन तो रुक जाते। मतलब आते ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह फैसला सुना दिया, ऐसे जैसे कि तुम महाज्ञानी और मैं महामूर्ख। तो खुद ही सोचना, अगर मेरी बातें कड़वी भी लग रही हैं तो भी खुद ही सोचना कि मैंने जो बोला है उसमें कहीं कुछ गलत है क्या। धीरज मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात है कि मैं तो दुखी तो मैं हुआ डेफिनेटली, और पर कोई बात नहीं, इसे मैं तुम्हारी मासूमियत समझ रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को तुम्हारे अंदर बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जिसके आधार पे इंसान कोई भी कंक्लूजन लेता है, ठीक है। सो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, ठीक है, जस्ट ट्राई टू नो कि मैं कराने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बाद में डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम्हें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो यूट्यूब पे तो ऐसी चैनल्स कमी है क्या, मतलब धीरे समझ रहे हो ना, कहीं से कोई कमी नहीं है, तुम फ्री हो, भारत का संविधान तुम्हारे साथ है, आर्टिकल 19 तुम्हारे साथ है, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन बस रिक्वेस्ट एक है तुमसे, ठीक है, कि मेरे को इतना मूर्ख और अपने आप को इतना होशियार मत समझो यार, मतलब मैंने भी कुछ किया है, ठीक है ना। सो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, मेरे साथ टाइम दो, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और देन मूव है, तो उसके बाद फैसला तुम्हारा है, ठीक है। ऑल राइट धीरज, सो आई होप यू विल कंसिडर माई वर्ड्स, राइट। अब धीरज वो नहीं है ना, वो समझ नहीं रहा है, वो एक्चुअली देख के आया होगा बहुत सारी पढ़ाइयाँ, बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब ये चीज़ अब क्या करूँ मैम, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं बस उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो मुझे सुने, इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। एनीवेज गाइस मूविंग अहेड, ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इसके नीचे देखना ही मत, इसके नीचे देखना ही मत कि क्या होने वाला है, मूविंग अहेड। अब एक बात आती है कि मान लो जैसे एक तुम्हारे सामने ना लिखा हुआ है, ठीक है, कि हिस्ट्री में डेटिंग के तरीके क्या होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ज़्यादा खुश मत हो जाना, ये कौन सी वाली डेटिंग समझ गए ना, ठीक है, इस पर ज़्यादा खुश मत होना, ये कौन सी वाली डेटिंग है, तारीख वाली डेटिंग, वो डेटिंग मत समझ जाना जो जुबान में और दिमाग में, जहन में और जुबान पे ज़्यादा आजकल रहता है। नहीं सॉरी बोलने वाली बात नहीं थी धीरज, मतलब मैंने को थोड़ा बुरा लगा सीरियसली, मैं लगता है तुम्हारे नाम पे नहीं, हर किसी के नाम पे लगता है जो आते ही ऐसी बातें करने लगता है, ठीक है। सो मतलब ये एक्चुअली तरीका भी सही नहीं है ना, जजमेंटल होना कहते हैं इसे लाइफ में, क्लासेस में ही नहीं जिंदगी में भी ऐसा मत होना कि किसी के बारे में 2 लाइन सुन के ना उस पर आराम से एक फैसला सुना देना, ऐसा रियल लाइफ में भी नहीं होना है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ धीरज, ठीक है। थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मुद्दा क्या होता है, नहीं होता है, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। एनीवेज मूविंग अहेड, सो डेटिंग के बारे में थोड़ा सा, और धीरज तुम टेलीग्राम पे तो जरूरी जुड़ जाना मेरे, ठीक है।
सो डेटिंग का मतलब कि भाई कैसे तारीखों को, मान लो खुदाई के दौरान कोई चट्टान मिला, खुदाई के दौरान कोई चट्टान मिला, तो कैसे इसके बारे में तुम पता करते हैं कि भाई ये चट्टान कब का हो सकता है, ये हथियार कब का हो सकता है? स्टोन एज के दौरान तो हथियारें जो बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चट्टानों की बनी थी, स्टोन एज ही कहते हो तुम उसे, ठीक है। पैलियोलिथिक, लिथ का मतलब स्टोन होता है, पैलियो का मतलब ओल्ड होता है, स्टोन एज, पाषाण का मतलब चट्टान, सब कुछ चट्टानों का था, हथियार वगैरह व्हाटएवर। सो स्टोन से तुम समय का अंदाजा कैसे लगाते हो, ठीक है? आप जानते हो, बचपन से आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग, उस प्रक्रिया को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, सोनू मिश्रा ओहो डेटिंग, हाँ हमारी किस्मत में अभी नहीं है, चलो ठीक है, इसका मतलब है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, राइट। चलो सिमरन धीरज समझ गया, डोंट वरी, अब चलो उससे मैंने बात कर ली ना, अब तुम लोग प्लीज बात मत करो, तुम लोग यहां पे ध्यान दो। रेडियो कार्बन डेटिंग, अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि रेडियो एक्टिव, अब वहां तो मैं बताने घुस के अब यहीं पे तो मैं रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ा सकता हूं ना, लेकिन एक प्रक्रिया हमने बचपन में सुनी थी, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता जिसे कहते हैं। कार्बन का एक आइसोटोप होता है, कार्बन आप जानते हो अगर पढ़ा होगा तो 6C12 कार्बन होता है, C13 होता है और 6C14 भी होता है, आइसोटोप्स जिसे कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, इसमें रेडियो धर्मिता वाले गुण होते हैं, ठीक है, और इसी के आधार पे बेसिकली हम इनके जो ट्रेसेस पाए जाते हैं चट्टानों में, तो अगर रेडियो एक्टिविटी हल्की फुल्की भी तुम्हें याद है तो हाफ लाइफ या उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वगैरह पता होता है हमें, और उसके आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कार्बन का ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे कितने दिनों से है, ये सब अगर हल्की फुल्की फिजिक्स तुम्हें याद हो तो। एनीवेज, सो कैसे हम उन पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में सबसे पहले पता लगाते हैं, तो वहां पे तो रेडियो कार्बन डेटिंग का एक, याद रखना कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, कार्बन 14, मतलब 6C14 यूज किया जाता है, रेडियो कार्बन भी जिसमें कहते हैं, इसमें रेडियो एक्टिविटी के गुण होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब जानते हो हमारा शरीर बेसिकली, आप बेसिकली जानते हो कि भाई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फैट, विटामिन, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, स्टार्च, यही सब तो है ना हमारा शरीर। सो ये बेसिकली सब क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें कार्बन तो डेफिनेटली है, चाहे वो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, पेप्टॉन्स है, पेप्टाइड्स है, व्हाटएवर, हॉर्मोन्स है, सी कार्बन के बिना तो कोई बन ही नहीं सकता ना। सो ऐसे जीवाश्मों में जो कार्बन मिले हैं, उसमें जो कार्बन 14 का जो ट्रेस मिला है, सिर्फ देखो हम टाइम का अंदाजा सिर्फ रेडियो एक्टिव वाले कार्बन से लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे वो अभी मुझे नहीं बताना, लेकिन रेडियो कार्बन से ही लगाया जा सकता है। सो ऐसे कार्बन के ट्रेसेस जिन फॉसिल्स में मिले हैं, जीवाश्मों में मिले हैं, ठीक है, उनके आधार पे हमने लगभग, ठीक है, पाषाण काल के टाइम को जानने की कोशिश की है। क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है, कार्बन का कौन सा आइसोटॉप, C14 याद रख लेना, और ये कहां पे आता है, फॉसिल्स में आता है, कैसे आता है, इसके आधार पे हम बेसिकली समय को जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की जो सभ्यता तो आप नहीं कह सकते कि इस प्रकार का इंसान कब देखने को मिला होगा, समथिंग लाइक दैट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। एनीवेज, मूविंग अहेड, डेटिंग, अब फिर वही डेटिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा नहीं कलाकारी मत दिखाना कि डेटिंग वेटिंग पढ़ने लगे, डेटिंग से ना ज्यादा हीरो मत बनने लगना, ठीक है, ये डेटिंग मतलब हम समय की बातें कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज, वनस्पति के जो अवशेष मिलते हैं उनका पॉलन एनालिसिस किया जाता है। इन सब में घुसने की जरूरत नहीं है, जब मेंस की तैयारी करोगे ना, साइंस टेक में ही पढ़ाऊंगा, मेंस पेपर 2 जो होता है, ठीक है, जिसमें होता है पेपर 2 में, वहां पे ना ये सारी बातें मैं बताऊंगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी से समय का अंदाजा कैसे लगाते, सब पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मेंस वाले पार्ट में, यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉलन क्या होता है आप समझते हो, पराग जिसे कहते हैं, जिसके आधार पे वनस्पतियों में प्रजनन की प्रक्रिया जन्म लेती है, ठीक है, पराग कण जिसे कहते हैं पॉलन्स, उनके एनालिसिस से भी, ठीक है, धान का छिलका मान लो मिट्टी से कहीं निकला, उसमें कार्बन के पार्टिकल्स मिले, कार्बन 14 के, ठीक है, उसके आधार पे हम ये प्राप्त कर सकते, पता कर सकते हैं कि वो धान का छिलका कितना पुराना हो सकता है, धान के कण में ही, ठीक है, जो उसमें जो कार्बन के रिमेन्स हैं उनको स्टडी करके भी उस धान के छिलके के बारे में पता लगाया जा सकता है, और फिर ये कहा जा सकता है कि ओ माय गॉड यहाँ पे धान की खेती शायद होती थी, ठीक है, नहीं तो फिर उसके उसका भूसा, उसका हस्क, उसका छिलका आया कहाँ से। सो क्लाइमेट को पढ़ के, वेजिटेशन को पढ़ के, ठीक है, हमने इन समय के को जानने की कोशिश की है कि भाई कब का ये सब
समय रहा होगा. सो दैट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात देख लो, रिंग्स को लकड़ियां मिली, लकड़ियों में ट्री रिंग्स होती हैं. अगर साइंस पढ़ा है, मेरे से ही पढ़ा है, मैंने बताया भी हुआ है शब्द. जो वो कोशिकाएं कंडक्टिंग टिश्यू, संवाहक कोशिकाएं जो पौधे में जल को लेकर, जल को मिट्टी से एब्जॉर्ब करके और पूरे वनस्पति या जो वृक्ष है, प्लांट है, उसके अलग अलग हिस्सों में पहुंचाती है, उस कोशिका का नाम जाइलम था, याद है ना. कंडक्टिंग टिश्यू, संवाहन कोशिकाएं, जाइलम और फ्लोएम. फ्लोएम सारे खाद्य पदार्थ को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जाइलम पानी को नीचे से पूरे हिस्से में प्लांट के पहुंचाता है. सो जाइलम क्या होता है, जब लकड़ी का जो स्टेम है ना, तो उसका जब काटा जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे ये वाला हिस्सा, तो तुम देखना आज के बाद, ठीक है. ये एक्सपेरिमेंट भी हम बचपन में करते थे कि काट के अगर काटा, ठीक है, लकड़ी को काटा, मान लो, देखो यहां पे ध्यान से लकड़ी को काटा, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, टिम्बर है, यहां पे ने इसे पानी में रख दिया, इस पानी में लाल रंग मिला दिया, लाल रंग, देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो यहां पे लाल रंग ऊपर दिखता है, इसका मतलब कि पानी को ये प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये स्टेम, और वो रिंग की तरह दिखता है, रिंग की तरह, अगर तुम्हें याद हो तो. सो कहने का मतलब क्या है कि जाइलम जो होता है, कंडक्टिंग टिश्यू, वो प्लांट में रिंग की तरह ऐसे होता है, मतलब इस प्रकार से लेयर्ड में होता है, जो उसके सरफेस पे ना रिंग की तरह दिखता है. सो उस रिंग को, ठीक है, वो रिंग ओवर द टाइम ना, उसके उसके उसमें वृद्धि जो होती है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है, उस रिंग के मैच्योरिटी को देखकर प्लांट की उम्र का अंदाजा बॉटनी में लगाया जा सकता है कि कितने रिंग डेवलप हुए हैं, वो जो जाइलम होता है, कितने रिंग्स डेवलप हुए हैं. जितना मैच्योर प्लांट होता चला जाता है, उसमें रिंग्स की संख्या बढ़ने लगती है. सो ये भी एक तरीका होता है, दैट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द रिंग्स इन द वुड, द डेट ऑफ द वुड कुड बी अराइव्ड. ठीक है, दैट लकड़ी के पेड़ों में छल्ले की संख्या गिनकर लकड़ी की तारीख आंकी जा सकती है. ठीक है, ये एक बात होती है, मतलब एज इट इज ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो छोड़ दोगे. सो इस तरीके से बेसिकली हम उस कालखंड के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अच्छा, सो आज मैंने बेसिकली इतनी बातें तुम्हें बताई कि मतलब हिस्ट्री साक्ष्यों के आधार पर कितने भागों में बटा है, वो साक्ष्य जो है वो बेसिकली कितने प्रकार के हो सकते हैं, और उस समय के बारे में जानकारी लगाने के बेसिकली जो टू सबसे बेसिक प्रोसेस है, दो तीन जो बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस जिसको यूज किया जाता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, पुरातात्विक विभागों द्वारा, वो क्या है, वो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया. ठीक है. सो आज गाइज इतना ही रहने देते हैं, आज की कहानी इतना ही रहने देते हैं. और आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज बेसिकली मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा इनफैक्ट. ठीक है, जिस तरीके से तुम्हारा प्रेजेंस था, दैट वॉज लाइक क्वाइट गुड एंड आई फेल्ट क्वाइट गुड अबाउट दैट. ठीक है. सो मूविंग अहेड गाइज, इतना मैं उसके बाद यही बताना चाहूँगा कि आज जो तुम लोगों से प्राप्त हुई मुझे खुशी, दैट इज़ क्वाइट गुड फॉर मी. ठीक है. और जाते जाते अब इस के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को मेंटेन रखना. ठीक है, मेंटेन रखना और कोशिश करना, नए जो स्टूडेंट हैं वो बेसिकली मतलब ये कोशिश करना कि ये सारी क्लासेस प्रॉपरली कर पाओ, और एंशिएंट इंडिया को बहुत अच्छे से हम करेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है. जाते जाते अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. इट्स लाइक दैट, प्लस पे जो हमारी कहानी चल रही है, दैट इज़ क्वाइट गुड. ठीक है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ. जस्ट गिव मी सम टाइम, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन. ये सारी चीज़ें हम आने वाले समय में करने वाले हैं, एक बार ध्यान लो. हाँ, और नए लोगों के लिए ये बेसिकली मेरा अनअकैडमी चैनल है, एक बार देख लो, फिर से देख लो, दैट इज स्टडी विद अभिषेक अनअकैडमी, जुड़ना है इससे. ये मेरा एडुकेटर कोड है, प्लस पे हमारी कहानी काफ़ी अच्छी चल रही है, जल्दी से जल्दी कोई सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ पे आओ, काफ़ी नए कोर्सेज हम शुरू कर चुके हैं. प्लस जो बेसिकली अब प्लस या आइकॉनिक में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको हमेशा बताया है, इट इसमें आंसर राइटिंग और मेंटरिंग का अंतर होता है, ये दोनों चीज़ें आइकॉनिक में आपको मिलती हैं, प्लस में नहीं मिलती हैं. प्राइसेस की अगर 12 मंथ की मैं बात करूं तो 49,500 और इधर 74,500, 10% डिस्काउंट के बाद आप देख सकते हो प्राइस क्या है.
लेकिन बेसिकली गाइस यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है, ठीक है, जो 35% वाला ऑफ, इसमें बेसिकली इसमें मतलब बहुत मार्जिनल प्राइस पे आपको एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। अनअकैडमी प्रॉमिस के अंतर्गत आपको 2 साल या 2 साल से अधिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल आपको अंत में फ्री मिल रहा है, ये 7 जुलाई तक है, ध्यान रखना 7 जुलाई तक ही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ये 30,000 का है, 80 टेस्टों का, सब्सक्रिप्शन के साथ जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है फ्री मिल रहा है आपको, सारी किताबें, ठीक है, जो बुकलेट है अनअकैडमी की अमेजिंग वो मिल रही हैं। चाहो तो आप सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल का अलग से ले सकते हो, बट मतलब क्या बनता है कि उसी प्राइस में अगर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं तो, ठीक है। MCQs, बाकी जो नहीं सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत सारी फ्री चीज़ें हैं, लाइक दिस MCQ का सेक्शन अनरेवल वाला, पाथ फाइंडर है, फ्री टेक्स्ट सीरीज, आपको बस मेरा एडुकेटर कोड AR101 यूज करना है, आपको इसका एक्सेस मिलता है, एंड देन यू हैव ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। सो इससे रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो मेरा अनअकैडमी चैनल, सॉरी मेरा टेलीग्राम चैनल ध्यान रखो और इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो मेरे से, ठीक है, और कहानी को आगे बढ़ाओ, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक्स फॉर टुडे गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और NCERT की क्लासेज प्रॉपरली कर लेना। सी यू टुमारो, मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी जोश के साथ। बहुत खुशी हुई आज की क्लास को देख के, थैंक्स गाइस, थैंक्स।